इससे पहले कि हम इस पॉइम को शुरू करें लेट अस डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट द फेमस ब्रिटिश पोएट लेस्ली नॉरिस लेस्ली नॉरिस अ ब्रिटिश पोएट ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन ट्वेंटी वन एंड डाइड इन टू थाउजेंड सिक्स जस्ट फोर्टीन ईयर्स बैक एंड ही हैड बीन अ टीचर अ प्रोफेसर एंड ए हेडमास्टर टू But at last, he became a full time writer and poet. He has written so many poems and short stories. He had won so many awards for his valuable contribution towards literature. In this way, we can say that he was a famous British poet and writer he worked in united kingdom as well as in united states of america now he has written this very much beautiful poem for you and let us discuss the theme of the poem what does this poem teach us what are the value points hidden in this poem what is the message hidden behind this poem that the poet लेसली नॉरिस वॉन्ट टू गिव टू ऑल ऑफ आस फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इस पोएम जो इस पोएम में जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू कवि हमें फ्रीडम की इंपॉर्टेंस स्वतंत्रता के महत्व को बताना चाहता है कि फ्रीडम हम सबके लिए कितने इंपॉर्टेंट है इल इफेक्ट ऑफ डिफॉरिस्टेशन हम अपनी प्रोग्रेस में अंधाधुंध पेड़ों को वनों को काटते जा रहे हैं वनों को हम कंक्रीट का बनाते जा रहे हैं वो बेचारे वाइल्ड एनिमल्स जो वनों में रहते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे इल इफेक्ट्स क्या क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के इस तरफ भी लेसली नॉरिस हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉट इज आवर अकाउंटेबिलिटी टू एनिमल्स एज वेल एज टू आवर एनवायरमेंट हमारी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं इस और भी लेसली नॉरिस हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वाइल्ड एनिमल्स विल बी हैप्पी इन दे नेचुरल हैबिटेट ये जो की पॉइंट और की फीचर है इस पोएम का नॉरिस हमें बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप अपने आप को कहाँ खुश हैप्पी महसूस करते हैं अपने घर में या फिर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए वहां पर नेचुरली अपने घर में अपने खेत में अपने आंगन में अपने दोस्तों के साथ अपने मर्जी से सब, हम सब हम सबको रहना पसंद है अच्छा लगता है ठीक उसी प्रकार से जैसे ह्यूमन बीइंग्स जेल नहीं जाना चाहते क्या वाइल्ड एनिमल्स पिंजरों में जाना चाहते हैं क्या वो उन केजेस में बंद होना चाहते हैं जी नहीं क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को भी स्वतंत्रता पसंद है वो भी अपने तरीके से जीना चाहते हैं वो जू में बंद केजेस में अपना जीवन व्यर्थ या बेकार नहीं करना चाहते लेकिन आदमी उनका दुश्मन है मैन इज द बिगेस्ट एनिमी टू वाइल्ड एनिमल्स वो अपने एंजॉयमेंट के लिए अपने फन के लिए उन बेचारे मासूम वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ पकड़ कर केजेज में बंद कर देता है सर्कस में उनसे काम करवाता है उन्हें नचवाता है उन्हें अपने आजीविका का साधन बनाता है या फिर हमारे बच्चों को दिखाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत चिड़ियाघर बनाए हुए हैं जू बनाए हुए हैं जहाँ पर केजिज में उनको बंद कर दिया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जैसे आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम है और आपको किसी वाइल्ड एनिमल का रोल प्ले करने को दिया जाए एक टाइगर और एक डॉग आप किसका रोल करना पसंद करेंगे ऑफ कोर्स टाइगर का कुत्ता कोई नहीं बनना चाहेगा क्यों क्योंकि टाइगर इज नॉन फॉर इट्स ब्रेवरी वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है फॉर इट्स स्पीड अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है एंड फॉर इट्स ब्यूटी और अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है परंतु क्या हो यदि हम उसी टाइगर को एक पिंजरे में बंद कर दें यह जो पोएम ए टाइगर इन द जू है इस पोएम को लेसली मैसेज के लिए लिखा है आइए हम डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू इस पोएम में लेसली नॉरिस एक कंट्रास्ट, एक कंपैरिजन देते हैं या करते हैं बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट आप स्वयं अनुमान लगा पाएंगे कि जू में खुश रहेगा टाइगर या फिर फॉरेस्ट में जहां वो स्वच्छंदता से घूमता रहता है अपनी मर्जी से जो चाहे जिस प्रकार का चाहे खाता रहता है जानवरों को खाना टाइगर की एक इंटेंसिक क्वालिटी है एट्रीब्यूट है ये उसका नेचर है कि वो जंगल में घूमने वाले डियर को खाएगा यह एक हमारा लाइफ साइकिल भी है इसके बिना हमारा एनवायरनमेंट या लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा क्या हमें अधिकार है कि हम उसको यहां जंगल से पकड़कर लाकर इस पिंजरे में बंद कर दें और उसे वो खिलाएं जो हम चाहते हैं जे नहीं ये उसकी नेचर के खिलाफ है इनजस्टिस है उन वाइल्ड एनिमल्स के प्रति तो यहां पर पोएट ने अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट के बीच एक कॉन्ट्रास्ट एक कलियर कट कॉन्ट्रास्ट बताया है डिफरेंस बताया है जंगल में फॉरेस्ट में टाइगर्स कितने खुश रहते हैं और जू में कितने उदास आइए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू This is a four line stanza. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quite, in his quite rays. These are the four first four lines of first stanza of this poem. यहाँ पर हो सकता है कुछ words आपको difficult लगते हो. For example, stalks. Stalks का मतलब एक प्रकार की चाल होती है. एक प्राइड वाली चाल जो शेर टाइगर इनमें पाई जाती है यह एक प्रकार की वॉक होती है स्ट्राइप्स आपने टाइगर की बॉडी पर वो काली पट्टियां उसके पीली पीले शरीर पर वो काली पट्टियां अवश्य देखी होंगी ये उन्हीं पट्टियों की बात कर रहा है वो कहता है वो अपने विविड ब्राइट एंड डीप स्ट्राइप्स के बीच कितना सुंदर लगता है स्टॉक्स चलता हुआ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज लेकिन वो बेचारा चिड़ियाघर में बंद है चिड़ियाघर के एक केज में बंद है एक पिंजरे में बंद है वो हेल्पलेस है वो कुछ कर नहीं सकता वो स्वच्छंदता से फ्रीडम से घूम नहीं सकता ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके जो पैड्स हैं वो बिल्कुल नर्म है मखमल की तरह से बहुत ही नर्म है जिनकी चलने की आवाज आप सुन नहीं सकते तभी तो वो जंगल में हिरण को चुपचाप अपना शिकार बना लेता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट लेकिन उन पैड्स पर चुपचाप वो उस पिंजरे में हेल्पलेस घूम रहा है इन हिज क्वाइट रेज रेज मीन फ्यूरी एंगर मन ही मन वो गुस्से में है मन ही मन गुस्से में है कि मुझे क्यों यहां बंद कर दिया गया है इन क्वाइट रेज अब अगर हम इस पैसेज से इस पैसेज की राइम स्कीम देखें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या पोइटिक डिवाइसेस देखें जो इस पैसेज में यूज किए गए हैं आइए हम डिस्कस करें आप देखिए लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन ऑफ दिस स्टेंजा स्ट्राइप्स केज क्या इनकी साउंड आपस में मिलती है जे नहीं केज क्वाइट जे नहीं स्ट्राइप्स क्वाइट नो केज रेज यस केज और रेज आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा इसलिए यह राइम स्कीम सेम है अगर हम इस वर्ड को ए नाम दें इसको बी दें यह भी इसमें मैच नहीं करती सी और यह बी में मैच करती है बी इस प्रकार से इस पैसेज की राइम स्कीम हुई ए बी सी बी अगर आप इस तरीके से किसी भी पैसेज की राइम स्कीम ढूंढकर उस क्वेश्चन का आंसर दे दें तो आपको एक अंक अवश्य मिलेगा आइए अब हम बात करते हैं इस पैसेज में यूज किए गए पोइटिक डिवाइसेज के फिगर ऑफ स्पीच की ही आपने सुना होगा हम एनिमल्स और यंग बेबीज के लिए इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं परंतु यहां इट के स्थान पर उस टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है जो कि एक मनुष्य के लिए यूज होता है मैन के लिए यूज होता है इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है उसको एक मानव की तरह से एक मैन की तरह से एक्सप्रेस किया गया है बाय द पोइट यहां पर पर्सोनिफिकेशन है ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ इज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट एक बार फिर से देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट आपने वेलवेट मखमल देखा होगा मखमली कपड़े भी देखे होंगे जो टच करने पर बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं टाइगर के नीचे से जो पैड होते हैं जो पंजे होते हैं वो नीचे से वेलवेट की तरह से नरम होते हैं सॉफ्ट होते हैं यहां पर टाइगर के पैड्स को कंपेयर किया गया है वेल्वेट से और जब पैड्स को वेलवेट से कंपेयर किया गया है जब हम टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थिंग्स और आइडियाज को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज एंड लाइफ तो वहां पर मैटाफर होता है तो सेकेंड लाइन में मैटाफर का यूज किया गया है अगर हम इसकी पोलिटिक डिवाइस की बात करें और लास्ट में लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज इज एन हिज क्वाइट रेज रेज मीन्स गुस्सा एंगर और क्वाइट मीन्स शांत चुपचाप ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं और साथ साथ इनका प्रयोग किया गया है अगर किसी पोएम में टू ऑपोजिट वर्ड्स टू एंटे एक साथ यूज हो तो इसे हम ऑग्जीमरॉन कहते हैं ऑग्जी एक फिगर ऑफ स्पीच है इसका यहां पर प्रयोग किया गया है दिस पोएम इज ऑल्सो फुल ऑफ इमेजरी इस पोएम में जब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक फॉरेस्ट का दृश्य सवता ही घूम जाता है इसलिए इमेजरी का भी यूज किया गया है पिंजरे में बंद टाइगर को हम इमेजिन कर सकते हैं उस ज़ू के दृश्य को भी हम कर सकते हैं इसलिए यहां भी इमेजरी का यूज किया गया है इट मीनस दिस पोएम इज फुल ऑफ इमेजरी डियर स्टूडेंट्स हमने इस पोएम का फर्स्ट पैसेज पढ़ा उसके पोइटिक डिवाइसेस भी देखे वर्ड मीनिंग भी देखे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखे आइए अब हम कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करें कि इस पोएम में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनसे आप ऐसे टाइप क्वेश्चन मीन्स समरी ऑफ द क्वेश्चन समरी ऑफ द पोएम लिख पाएंगे फर्स्ट इज ऑन ए स्टारी नाइट मीन्स आकाश तारों से भरा हुआ द पोएट सीज ए टाइगर इन द जू कवि जो है लेसली नॉरिस ने जू में बंद एक टाइगर को देखा द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन आगे पीछे घूम रहा था केज अपने पिंजरे में द टाइगर इज फुल ऑफ रेज पूर्ण गुस्से में है बट क्वाइट लेकिन बेचारा हेल्पलेस है ऐसा हाँ है कुछ कर नहीं सकता इज क्वाइट ड्यू टू हेल्पलेसनेस क्योंकि मानव ने उसे अपने फन के लिए उस पिंजरे में कैद कर दिया है द पोइट द टाइगर फॉर कंडीशन ऑफ टाइगर और फॉर द प्लाइट ऑफ द टाइगर इन द केज पिंजरे में बंद उस टाइगर की उस बुरी हालत को देखते हुए पोएट को उस पर दया आती है और वो उस टाइगर के इस पोएम के माध्यम से हम सब के ध्यान को हम सब की

एक नेचुरल हैबिटेट बनाने शुरू कर दिए हैं जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम दिया जाता है जहां सब कुछ नेचुरल होता है उसी तरीके से नेचुरली वाइल्ड एनिमल्स फ्रीडम के साथ घूम सकते हैं अपने शिकार ढूंढ सकते हैं और उसी तरीके से रह सकते हैं बट ही इज लॉक्ड बिहाइंड यहां पर एक पैसेज में जो टाइगर है वो जू में कैद है दूसरे पैसेज में जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में है उनके बीच के कॉन्ट्रास्ट को कंपैरिजन को बताया गया है द टाइगर बट ही इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स उस टाइगर जैसे हम ताकतवर कहते हैं जिसे हम पावरफुल एनिमल कहते हैं उसकी सारी पावर को उस केज के अंदर बास के पीछे कैद कर दिया जाता है और वो हेल्पलेस हो जाता है द टाइगर डजेंट टेक द नोटिस ऑफ द विजिटर वो इतना परेशान है कि सुबह से शाम तक आप भी चिड़ियाघर गए होंगे आप भी एक टाइगर की केज के चारों तरफ घूमे होंगे आपने भी उनको चढ़ाया होगा ऐसा आपने किया होगा अवश्य किया होगा सभी करते हैं लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं वहां हम जब जू देखकर घर आते हैं तो अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं आज मैंने टाइगर देखा लेकिन अपने आप को ब्रेव मानते हैं कि आज टाइगर देख के आया हूं लेकिन जब आप जंगल में टाइगर देख लेते हैं फिर क्या हालत होती है तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं वहां वो टाइगर ब्रेव होता है हम नहीं हमने क्या किया मनुष्य ने क्या किया उसकी ब्रेवरी को लोहे की जंजीरों के लोहे के तारों के पीछे बंद कर दिया और तब हम इंजॉय करने के लिए अपने फन के लिए उसे देखने जाते हैं बट ही वेट्स फॉर ए प्लम्प डियर नियर दॉटर हॉल लेकिन फॉरेस्ट में वो चुपचाप एक पेड़ की छाया में लॉन्ग ग्रास में से गुजरता हुआ अपने शिकार को ढूंढता रहता है और जब कोई हिरण तालाब पर पानी पीने आता है तो चुपचाप उस पर झपट कर वो उसे अपना शिकार बना लेता है और यही उसका नेचर है यही हमारे जंगल का नेचर है और हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस नेचर के खिलाफ कर रहे हैं दीज आर द की पॉइंट ऑफ दिस टाइगर इन द जू नाउ यू विल बी एबल टू राइट द द समरी ऑफ दोएम टाइगर इन द जू लेट डिस्कस टू मोर स्टेंजा ऑफ दिस पोयम सेकेंड स्टेंजा हे शुड बी लर्किंग इन शेडो लर्किंग का मतलब है हाइडिंग छिपना ये इस पैसेज में जो टाइगर है वो फॉरेस्ट का टाइगर है वो फॉरेस्ट में रहता है ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो वो पेड़ों की छाया में चुपचाप घूम रहा है अपने आप को छिपा रहा है ताकि उसके शिकार उसको देख ना ले स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास और लंबी लंबी घास के बीच से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपने प्रे की ओर अपने शिकार की ओर नियर द वॉटर हॉल और छिप जाता है एक तालाब के पास एक पानी के स्रोत के पास जहां और प्लंप डियर पास प्लंप मींस मोटी ताजा फैट फ्लैशी एक फ्लैशी हिरन डियर वहां जब पानी पीने आता है तब वो टाइगर नेचर के अनुसार उसको पकड़ लेता है उसे मारकर खा लेता है यही उसका नेचर है यहां वो ज्यादा खुश है पोइट ने बहुत ही सुंदर तरीके से ए टाइगर इन द केज एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट का को कंट्रास्ट किया है उसके अंतर को बताया है थर्ड इज़ ही शुड बी स्नारलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज इस पैसेज में एक बहुत ही गंभीर मैसेज छिपा हुआ है हम जंगलों को काटते जा रहे हैं अपने घर जंगलों के किनारे बनाते जा रहे हैं जंगलों के आसपास गांव शहर बसते जा रहे हैं बेचारे टाइगर्स वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे वो जब जंगल कट जाएंगे तो उनको प्रे नहीं मिलेगा शिकार नहीं मिलेंगे तो वो गांव की तरफ आएंगे इसलिए नहीं कि गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचा दे वो इसलिए आएंगे वो हमें एक चुनौती दे रहे हैं डोंट कट जंगलों को मत काटिए शुड बी स्नार्लिंग स्नार्लिंग मीनस रोरिंग वार्निंग एक वार्निंग देते हैं गांव वालों को अराउंड हाउसेस घरों के आसपास आकर आपने डिस्कवरी चैनल्स में टाइगर्स लॉयस को शिकार करते हुए देखा होगा स्वच्छता से घूमते हुए भी देखा होगा और कई बार इस प्रकार के वीडियोज भी आपने देखा होगा देखे होंगे जिसमें टाइगर्स और लॉयंस गांव या शहर में रात को घुस जाते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं एट द जंगल्स एज जंगल के किनारे आकर गांव वालों को डराने के लिए टेरराइजिंग द विलेज मीन्स आदमी को डराने के लिए वो वहां तक आते हैं बेरिंग हिज वाइट फेंग अपने लंबे लंबे दांत दिखाते हैं और अपने खूंखार पंजे भी दिखाते हैं क्लाउ इस प्रकार से इस पोएम में इन स्टेंजाज में वो टाइगर बताया गया है जो जंगल में है और वो क्या मैसेज हमें दे रहा है अगर हम पोइटिक डिवाइसेस या राइम स्कीम की यहां बात करें तो राइम स्कीम इज द सेम अगेन शेडो ग्रास हॉल पास सेकंड एंड फोर्थ लाइन व द रैमिंग वर्ड्स एट द एंड सो अगेन द राइमिंग स्कीम इज अंड बी ए बी सी बी इन द सेम वे द रमिंग स्कीम ऑफ द थर्ड पैसेज हाउसेज एज क्लाज एंड विलेज एज एंडज सेम राइमिंग स्कीम इज देयर टू अगर हम बात करें पोलिटिक डिवाइसिस की तो यहां पर फिर से इमेजरी डियर पास नियर ए वॉटर हॉल तो स्वतः ही अनायास ही आपके आंखों के सामने किस प्रकार का दृश्य आ जाता होगा जब एक टाइगर एक हिरन पर हिरन पर पाउंस ओवर करके उसे अपना शिकार बनाता है इस प्रकार से यह पोयम बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन की गई है लिखी गई है बाय लेजले नॉरिश अगर आप इस वीडियो को देखें इस पोएम के बाकी बचे हुए पैसेजेस को भी पढ़ें अपने टीचर से कंसल्ट करें इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करें और इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स नेम ऑफ द पोएम नेम ऑफ द पोएट समरी ऑफ द पोएम एंड की पॉइंट्स ऑफ द पोएम को अपनी नोटबुक में नोट करें एग्जामिनेशन से पहले उसे रिवाइज करें आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएम ए टाइगर इन द जू थैंक यू वेरी मच गुड लक